नमस्कार दोस्तों, SRE ऑनलाइन आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो के URSC यूआर राव रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। और दोस्तों, 2020 में जब ये वैकेंसी आई थी, जो रिक्रूटमेंट आया था, कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, अभी इसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं, एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट हो सकते हैं, आगे इस बारे में हम जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, किस बेस पे एग्ज़ाम होने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, साथ ही साथ ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, इसका जो कट ऑफ जाता है वो कितना कट ऑफ होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, टाइम कितना मिलने वाला एग्ज़ाम देने के लिए, क्या लिखकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, OMR बेस एग्ज़ाम होगा, आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन जो होगा उसमें पेपर का सिलेबस क्या होगा, टेक्निकल क्वेश्चंस कितने आएंगे, नॉन टेक के क्वेश्चन कितने आएंगे, ये सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर करते हैं ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते हैं और साथ ही साथ आपको ये वीडियो हेल्पफुल भी लगेगी, और यदि नहीं लगे तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करना, नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूव करके आपको डाटा प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको सीधे बताते हैं, ये वीडियो पूरी की पूरी URSC पे बेस्ड है, किसी और अदर टॉपिक पे इस वीडियो पे बात नहीं होने वाली है। टेक्निशियन भी और टेक्निकल असिस्टेंट का यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर हम क्लियर कर दें, ये वीडियो जो है ये वैकेंसी 2020 में आई थी, इसका जो रिक्रूटमेंट है 15 फरवरी 2020 में नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, फॉर्म भराने चालू हुए थे मार्च 2020 इसकी लास्ट डेट थी। और इसमें दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे, सिलेक्शन से लेकर ज्वाइनिंग प्रोसेस तक, एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या रहने वाला है, सैलरी और पे लेवल, ट्रैवलिंग अलाउंस, क्या आपको एग्ज़ाम के समय जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा वो भी आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, ऐसे ही जेन्युइन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें 15 फरवरी 2020 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, टोटल 182 पोस्ट थी यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों, लगभग दोस्तों 2022 में एग्ज़ाम्स की डेट आगे और बताते हैं ना, थोड़ा सा वेट और कीजिए, सिलेक्शन की मेथड के बारे में बात कर लें। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो दोस्तों इन स्टेज में होती है, रिटर्न एग्ज़ाम होता है पहले, अब पहले ये रिटर्न होता था इसलिए दोस्तों इसको रिटर्न एग्ज़ाम कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में फिलहाल अब ये एग्ज़ाम ऑनलाइन बेस पर होगा, CBT मोड पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। अब बात कर लें यहाँ पर स्किल टेस्ट के बारे में, जो नेक्स्ट इसका होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होता है, रिटर्न टेस्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे आगे फेज में देखेंगे। इसके बाद होता है एक स्किल टेस्ट होता है, जो टेक्नीशियन भी टेक्निकल पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाता है ISRO, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद जो लोग स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो कि आपका लगभग स्किल टेस्ट के टाइम पर ही ले लिया जाता है। उसके बाद मेडिकल होता है, जो लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं, जो पैनल क्रिएट होता है उनका मेडिकल होता है, देन ज्वाइनिंग। अब अगली पोस्ट के बारे में बात करें, यहाँ पर पोस्ट जो है वो दोस्तों लगभग टेक्नीशियन भी की 102 पोस्ट हैं, ड्राफ्ट एंड मैकेनिकल की 3 पोस्ट हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की 41 पोस्ट हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट की लगभग 4 पोस्ट हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट की 7 पोस्ट हैं, हिंदी टाइपिस्ट की 2 पोस्ट हैं, हैवी व्हीकल ड्राइवर की 5 पोस्ट हैं, लाइट व्हीकल ड्राइवर की टोटल 4 पोस्ट हैं, फायरमैन के लिए 4 पोस्ट हैं, कुक के लिए 5 पोस्ट हैं, कैटरिंग अटेंडेंट के लिए 5 पोस्ट हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों पूरे सोर्स जोड़ लोगे तो भी 192 वैकेंसी है दोस्तों आ रही है, पहले गलती हो गई थी 182 बोल दिए, सॉरी उसके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर करें। अब यहाँ पर दोस्तों सिंपल आप देख पा रहे हो स्क्रीन में कुछ आ रहा है आपके, रिटर्न एग्ज़ाम जो है, रिटर्न ही उसको CBT एग्ज़ाम बोलेंगे, क्योंकि इसरो में रिटर्न होता है तो हम इसको रिटर्न ही दोस्तों कंडक्ट करवाते हैं, रिटर्न वैल्यूएबल लगता हमें और CBT नहीं, तो रिटर्न एग्ज़ाम। अब यहाँ पर हमारा जो CBT एग्ज़ाम है उसमें टोटल 80 क्वेश्चन आने वाले, टेक्नीशियन भी वाले भाई जितने भी हैं सब ध्यान से सुने, 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, 120 मिनट, टोटल 2 घंटे का टाइम देता है ISRO। यहाँ पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 0.33 या 1/3 बोल दो आप, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो हिसाब से क्वेश्चन आपको टच करना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा और कुछ पूछना है क्या, क्योंकि दोस्तों 80 क्वेश्चन 120 मिनट 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, ये सफिशियंट है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, अपना वॉलपेपर बना लो, क्योंकि दोस्तों इसके आगे बढ़ना नहीं आपको, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है दोस्तों। अब स्किल टेस्ट में बात कर लें, स्किल टेस्ट में आपको एक प्रैक्टिकल दिया जाता है, एक जॉब या एक सर्किट आपको दिया जाती है, आपकी ट्रेड के अनुसार आपको जो करना पड़ता है, उसमें 100 मार्क्स का रहता है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी बेस्ड MCQ भी उसमें आपसे कुछ पूछ लिए जाते हैं, और 120 से लगभग 2 से 3 घंटे का वो आपको टाइम मिलता है, लगभग दोस्तों डिपेंड करता है आप किस जगह गए हैं और जहाँ पर आप मतलब स्किल टेस्ट आपका कंडक्ट हो रहा है वहाँ पर डिपेंड, उस वहाँ के एरिया पर डिपेंड करता है कि वो लोग कितना टाइम देते हैं आपको, क्योंकि इसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंडक्ट होना होता है। अब स्किल टेस्ट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं दोस्तों वो क्लियर कर देते हैं। स्किल टेस्ट एक प्रकार का एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें आपके अंदर जो भी नॉलेज है आपके ट्रेड से रिलेटेड वो देखा जाता है, आपको आपके पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में कितनी जानकारी है, आप
थ्योरी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि जब आप कोई प्रैक्टिकल देते हैं तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड ही आपसे जानकारी पूछी जाती है और उसी के बारे में आपको बताना रहता है। और इसमें हम बोल सकते हैं वाइवा तो फ्लाइट टेक्नीशियन भी पोस्ट के लिए नहीं होता है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो एज अ वाइवा ही को कंडक्ट हो जाता है। इसमें आपका कोई देखा जाता है कि स्टूडेंट के पास एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है, क्योंकि पेपर तो आप करके आए ही हैं और ये केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें कोई आपको मेरिट लाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अगर आप टॉप कर लेंगे तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें केवल और केवल जो आपकी मेरिट बनती है इसरो के एग्ज़ाम, वो आपके मेन एग्ज़ाम से बनती है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से दोस्तों आपको सभी डॉक्यूमेंट जो जो आपने लगाए हैं, जो आपने फॉर्म भरते समय बताएं, वो आपको देना पड़ेगा। 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रखने पड़ेंगे। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं और वहाँ काम कर रहे हैं तो आपको NOC ले जाना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि आपने ऑनलाइन फी फिलअप की है तो आपको वो भी लेके जानी होगी। ठीक है दोस्तों, मेडिकल एग्ज़ाम के बारे में पढ़ने कर ले तो जैसा गवर्नमेंट रूल्स होता है टेक्नीशियन बी और टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के रिगार्डिंग, वैसा यहाँ पर मेडिकल देखने को आपको मिल जाएगा। और मेडिकल एग्ज़ाम जो रहेगा दोस्तों, अगर आप टेक्नीशियन बी और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक फुली मेडिकल एग्ज़ाम वीडियो देखना चाहते हो दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें उस पर, हम एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर लेकर आएंगे। और दोस्तों जितना जल्दी हो सकेगा दोस्तों, वैसे अभी थोड़ा एक शेड्यूल हमारा एक मिस हो गया है तो बहुत टाइम से आपको वीडियो भी नहीं मिलेगी, बट दोस्तों ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिल जाए। अब दोस्तों सैलरी और पे लेवल के बारे में बात कर लेंगे, या जब आप ज्वाइन करोगे तो क्या पैकेज रहने वाला है आपका, क्या सैलरी रहने वाली है, वो भी हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो टेक्नीशियन बी जो रहेगा दोस्तों, टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टन बी होगा, ये लेवल 3 लेवल पे ज्वाइन करेंगे तो इनकी सैलरी जो रहेगी 21,700 प्लस DA रहेगा। तो यहाँ पर हम टोटल आपको बता दें, कुल यहाँ पर 25,000 से 28,000 के बीच आपको टेक्नीशियन बी वालों को सैलरी देखने को मिल जाएगी। और जो टेक्निकल असिस्टेंट हैं उनकी 44,900 रुपये सैलरी प्लस DA है। तो इसमें दोस्तों और भी पर्क्स जो ऐड होते हैं, उन पर्क्स को मिला के लगभग यहाँ पर 5,000 से 6,000 इनका भी ऐड हो जाता है। अब टी और डी ए के बारे में बात करें कि एग्ज़ाम में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो टी ए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, डी ए होता है DRNS अलाउंस। तो आपको DA नहीं मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, केवल TA मिलेगा उन लोगों के लिए जो लोग SC ST हैं, और साथ ही साथ दोस्तों उन लोगों को मिलेगा OBC कैंडिडेट। और ये लगभग स्किल टेस्ट में सभी को मिलता है जो लोग स्किल टेस्ट की शॉर्टेज हैं। ये बात ध्यान रखना कि रिटर्न के लिए कोई आपको TA नहीं मिलेगा, केवल आपको TA मिलेगा स्किल टेस्ट के लिए, जो लोग 100 किलोमीटर के दूर से आएंगे। डायमीटर जो रहेगा आपका, जो यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, मे बी एग्ज़ाम कर्नाटका में ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है, तो लगभग ऑनलाइन में तो आपको CBT बेस पे एग्ज़ाम में तो आपको TA नहीं मिलेगा, बट स्किल टेस्ट में, क्योंकि स्किल टेस्ट जो होगा वो बेंगलुरु में ही कंडक्ट होगा, ISRO बेंगलुरु में, तो वहाँ पर आपको जाना होगा। तो लगभग जो लोग 100 किलोमीटर दूर से आएंगे तो उनको दोस्तों जो है आपको TA मिलेगा, तो डोंट वरी। और फिलहाल दोस्तों अब यहाँ पर हमारा इस वीडियो का जो सेशन है तो है वो ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, अपना प्यार कमेंट में ज़रूर बताएं आप, और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों इसको शेयर करना, और साथ साथ जो अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई कमी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए अगली वीडियो में उस चीज़ को दूर कर सकें और नई नई वीडियोज़ आप तक लेकर आ सकें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, PVC पेपर डाउनलोड करने लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।